सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 8वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर धामी ने बैडमिंटन में अपना हाथ भी आजमाया और खेल करके खिलाड़ियों का हौसला भी अफजाई किया। सीएम धामी ने कहा कि जब हम साथ में खेलते हैं तो हमें एक दूसरे को समझने का वक्त मिलता है, हमारे बीच बने संबंध हमारे आने वाले कार्यक्षेत्र में मदद करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से सीएम धामी ने बच्चों के बीच पहुंचकर स्पोर्ट्स में हाथ आजमाया है, बैडमिंटन खेलते हुए भी वो नजर आए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर हम एक साथ खेलते हैं किसी भी स्पोर्ट्स को तो फिर एक दूसरे को समझने का और ज्यादा वक्त मिलता है। वही आज सुबह ONGC अम्बेडकर स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेडियम में ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टेस्ट कर रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने जॉगिंग के दौरान खिलाड़ियों और खेल भावना से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए अनेक बिंदुओं पर सार्थक पहल के साथ जागरूक करने की बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के साथ सानिया टी स्टॉल पर एक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।